हम बोलो जरा अच्छे से बोलो जरा दोस्तों बोलो यार। अरे यार है ना जो देख रहे हो ये देखो भाई हमारे यहाँ की दोनों गाड़ी ये बैक करते हुए जे जा रहे हैं अब और हम भी चले अपने गांव की ओर। तो मैं जैसा करना हो तो भाई तब अपन चलते हैं इस वाली गाड़ी से और अब मिलेंगे अपन सीधे गांव में। भाई अपन सो के उठे ना मुंह भी नहीं धोया है गांव तो मन ही नहीं करता फिर मुंह धोने का। और ये देखो सिवी उठ गई है ठंडे ठंडे हाथ लगा दो चलो तुम भी चल रहे बड्डे। चलो भाई तो चलते हैं अब अपन ऐसे। तो भैया मां साहब को बैठा दिए हमने तो जनाब सारे लोग बैठ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। देखो गाड़ी दिख रही मिरर में आपको ये जा रहा है नीरज और अभी हम लोग जाते हैं अपने गांव की तरफ। ये जो मिरर पे जो लगा हुआ है ना कोहरा डाई को वो धीरे धीरे हट रहा है। चलो अब मिलते हैं आपको सीधे गांव में ठीक है। चालू हाँ। तो भाई ये हमारे गांव का यहाँ से टर्न है वो देखो वहाँ लिखा है ग्रीन सिग्नल ग्रीन पे धर्मपुरा। तो जनाब ये ना हमारे गांव की ना गलियां हैं यहाँ से। भाई हम लोग जब पहली से पांचवी तक मैंने यहीं गांव में पढ़ा हूँ तो इसी रास्ते से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर इसमें ना पैदल जाया करते थे हम लोग। बड़ा मज़ा आता था थक जाते थे कभी कभी बैठ बैठ के रास्ते में जाते थे मज़ा आता था। भाई यहाँ पर हमारे गाँव की खेरवाई माता है और हम लोग जब छोटे थे ना तो यहाँ पर आते थे जी देखो ये और मज़ा आते थे ये यहाँ पर हम लोग जब छोटे थे तो आते थे और यहाँ बोलते थे भगवान जी हमें पास करा देने के नारियल फोड़ेंगे मतलब ऐसा रहता था हमेशा। और ये हमारे गांव का तालाब दिखा देते हैं आपको। ये हमारे गांव का तालाब है ये जबलपुर में जो इच्छाधारी लस्सी के पीछे जो बड़ा सा बंगला दिखता है ना वो उन्हीं का तालाब है ये पूरा यहाँ के वो माल बाजार हुआ करते थे पहले। तो ये भाई हमारे गांव स्टार्ट होता है इधर से और ये देखो हमारे गांव का स्कूल है प्राइमरी है ना हाँ, ये प्राइमरी है मेरा भाई प्राइमरी स्कूल है और हमारे जो मां साहब हैं वो भी प्राइमरी के ही वो है टीचर। ये देखो स्कूल हमारे गांव का शासकीय है धर्मपुरा। ये देखो गाय खड़ी ये है भाई हमारे यहाँ का गांव। बड़ा मज़ा आता था गांव में जब मैं गांव से जबलपुर गया था तो मम्मी लोग पहले चली गए थे मैं बाद में गया था दोस्तों तो मतलब मैं रोते हुए गया था आधी दूर तक तो रास्ते और 4-5 दिन तो बिल्कुल वहाँ ऐसे अकेला बैठा रहता था क्योंकि मेरा बच्चा नहीं लग रहा था गाँव ऐसा छोड़ के चले गए थे। तो ये फाइनली हमारा घर आ गया है और देखो हमारा घर वो दिखाई दे रहा है आपको वो जो शटर वाला है और ये जो टूट गया वो हमारा घर है और वो देखो वो ट्रैक्टर खड़ा है नीला वाला घर ही अभी फिलहाल है। भाई यहाँ से लेंगे हम राइट स्वास्थ्य केंद्र। ओ भाई साहब ये देखो आ चुके हैं हमारे गांव कांग्रेस और ये देखो कांग्रेस का झंडा यहाँ लगा हुआ है लेकिन कांग्रेस की तो लग गई है। और देखो अभी इस साइड ये स्वास्थ्य केंद्र है जो चुनाव और कांग्रेस दोनों शांति शांति निपट रहे बाहर निकल के आ गए ये देखो और ऊपर हम लोग के जस्ट गांव के जस्ट पीछे देखो पहाड़ दिखाई वहां पर ना वो पेड़ दिख रहा है ये वाला पेड़ जो दिखाई दे रहा है उसको अजगन्नाथ बोलते हैं। वहाँ पहले ना दुर्गा जी पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे दुर्गा जी रखा करते थे और ये हमारे कंदी चाचा हैं ये हमारे गांव के सरपंच रह चुके हैं भूतपूर्व ये देखो इनसे मिलो आप जयराम तो कर दो हमारी पब्लिक से जयराम बोल दो जरा अच्छे से बोलो जयराम दोस्तों बोलो यार। अरे यार है ना जो देख रहे हो भाई हमारे चाचा के यहाँ है भैंस अभी देखो दो भैंस यहाँ पर खाना खा रही हैं अपना लंच सॉरी नाश्ता कर रही हैं ये देखो हेलो कैसी हो बढ़िया हाँ ठीक है ये देखो ये और अभी चलते कोई नहीं है का है? कौन है भाई ये है हमारे चाचा का घर पहले हम लोग इधर ही रहते थे ये देखो पूरे मक्का मकर ये इन सब गांव में अधिकतर लोगों का काम एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो ये देखो पूरा मक्का वगैरह दिखाई दे रहा है और जी हैं हमारे हल्ले चाचा कैसे हो भाई जयराम कर दो जयराम तो करो अरे हाथ जोड़ के करो यार कर रहा था थोड़ी अरे यार ये शर्मा गए ये भैया आशीर्वाद ले लो भैया कहाँ मेरे दो छोटका पुटका
ये देखिए, ये मतलब जैसे ज्वारे होते हैं ना, देखिए गेहूं ने खेत उसमें लगा दिया छानी में, ये देखो मस्त ये फसल उगाई है। ये देखो भाई, ये हमारा भूरा, ये एक नंबर का किसान है, सबसे छोटा वाला। और ये चाय छन रही, और ये देखो भाई चाय ब्रेड खाना चल रहा है, आंवले का अचार रखने वाला है, भाई पी लेते हैं हम बढ़िया। माँ साहब अपनी ड्यूटी करते हुए ये बालक को पढ़ाने लगे, देखिए अब ये दिक्कत है, कहीं भी जाते हैं ये तो इनको पढ़ाने लगते हैं, ये प्राइमरी टीचर के माँ साहब हैं। और ये देखो कितना खुश हो रहे हैं जी, भाई इस लड़के से भैंसों के बारे में और किसान किसानी के बारे में जो पूछ सकते हो पूछ लो, पूरा फुल नॉलेज दे देगा आपको। पढ़ाई चल रही है जी। ये देखो भाई भैंस लगाई जा रही है, दूध निकल रहा है, ये देखो ये दिखाते हैं आपको, रखो ये देखो बाल्टी भर गई है भाई। तो चलो भाई अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं हम लोग अब यहाँ से, और ये हर्षू है। चलो भाई ये है अपनी गाड़ी, बढ़िया वैसे चलते हैं अपन सीधे, अब चलते हैं वापस नित्तू लोग के घर। तो भाई साहब अभी हम लोग गांव से जाने लगे हैं बढ़िया, और ये देखो गांव से दूध लेके जा रहे हैं शुद्ध बिल्कुल बिना मिलावट के। भाई साहब ये है हमारा पूरा गाँव, शानदार सा व्यू। कहा चलो चलो बाद में ले लेना। तो जनाब अभी चलते हैं, देखो ये छोटी छोटी दुकान है और यहाँ से ले रहे हैं कुछ सामान, और ये हमारे गांव के सारे लोग। ये देखो जामुन का पेड़, ये जो तालाब है ना आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, और बढ़िया चलते हैं नित्तू लोग के घर। लेफ्ट चलो लेफ्ट। तो भाई साहब फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और ये देखो माँ साहब क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी, इनकी ड्यूटी हो रही है गोटे गाँव में, मोनू भैया जिस जिले के हैं, जिले बुल्ले गाँव के वहीं के हैं इन लोग। ये जो दाल पीसी गई है वो सिलबट्टे से पीसी गई है, ये देखो ये। ये भाई अब देखो इन लोग की कमाई हो रही है, ये देखो हमारी बहन के 100-100 रुपए मिल रहे हैं इन लोग को, ये देखो ये रिवाज है हमारे इंडियन कल्चर में। ये देखो 50 का मिल गया तो खुश हो गई, देखो 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 ओले ले। चलो इनको मिले हैं भगवान, हमको भगवान मिले, आजा पैसे काम कर रहे हैं अपने नंदो जी के बेटे। ओले नानी की गोदी में चले गई, ये देखो पैसा जी। नहीं खाए इसको तो कुछ भी दो बस खाने लगती है ये। चलिए दोस्तों तो अभी चलते हैं अब सीधे घर, अभी सॉरी मेडिकल जाना है, वहाँ जाके हमारी मामी को बेबी हुआ है तो वहाँ जाएंगे, और उसके बाद फिर सीधे घर जाएंगे। और ये हमारे यहाँ का गोलू सेठ है, वजनदार आदमी, खुलरी सेठ खुलरी के। सही तो कह रहा। चलो भाई चलते हैं फाइनली, उठाते हैं अपनी गाड़ी निकलो यहाँ से। आ गई सिब्बी। हैं?